नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं भाईंदर वेस्ट के पंचरत्न ज्वेलर्स में। हमारे साथ में पंचरत्न ज्वेलर्स के मालिक कह दें, ओनर कह दें, या सर्वे सर्वा कह दें, भंवर जी मेहता है। इन्होंने दुकान का अभी फिलहाल रिनोवेशन किया है। सालों साल से इनकी ये पेड़ी है और एक विश्वास लोगों का इस पंचरत्न ज्वेलर्स में बना हुआ है। वही चीज है कि ये सालों साल से चल रहा है। आज अभी जैसा इन्होंने जानकारी दी कि 2006 के बाद में ये 2022 में 16 साल बाद में एक रिनोवेशन हुआ है, और उसके पहले 20 साल पहले हुआ था। यानी कि ये एक पेड़ी 35-40 साल से अधिक समय से यह है और लोगों में विश्वास है। भंवर जी मेहता खुद ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्य में भी आगे हैं, लोगों की मदद करने भी आगे हैं। तो अब जब ज्वेलर्स की दुकान खुली है, आप देख रहे हो, तो आपको कुछ लगता है तो जरूर यहाँ पे विजिट कीजिए, आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, इसकी गारंटी मैं अपने चैनल के थ्रू से आपसे लेता हूँ। और चैनल ओनर तो है ही, वो गारंटी लेते ही हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आगे सुन लीजिए ओनर की क्या राय है अपनी दुकान के बारे में और अपने ग्राहकों के बारे में। अंकल, आपने अपनी शॉप का रिनोवेशन किया है, क्या कहना चाहेंगे अपने ग्राहकों को, क्या आप इस नई सोच से क्या आप नया देना चाहेंगे? हमने कल 23 तारीख से हमारी ओपनिंग का सुना, 23 को नहीं हो सका पूरा, इसलिए 23, 24 और 25 तीन दिन हमने ओपनिंग करा था। और हमारा एक ही ग्राहक से सबसे विनती करते कि अच्छा वैरायटी कस्टमर को दीजिए, सही बजट दीजिए और सर्विस अच्छे दीजिए। ये तीनों चीज़ जो अगर आप देंगे और न्यू वैरायटी आपके पास अच्छी तो ही आपको मतलब अच्छी क्वालिटी अगर कस्टमर को देंगे, कस्टमर अपना पाएगा, कोई आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं। हमारा एक ही ध्येय है, आज हमें ये दुकान को कम से कम 40 साल हो गया है, 40 साल से हमें अपनी पंचरत्न दुकान है। फर्स्ट जो हमारा रिनोवेशन हुआ था, हमने फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1985 से, उसके बाद 2006 में रिनोवेशन किया था, और 2006 के बाद हमारा रिनोवेशन अभी 2022 को हो रहा है। तो कहने का इतना लंबा जो हमने टाइम निकाला है, उसी से निकाला कि हमारी एक पीढ़ी से पीढ़ी, एक पीढ़ी कंप्लीट हो गई, दूसरी पीढ़ी चालू हो गई है, और चालू किया था और आज अच्छी स्कोर से चल रहा है। अगर आप खुद महाराष्ट्र राज्य फेडरेशन, स्वर्णकार फेडरेशन है, उसके उपाध्यक्ष है और दूसरी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जो इस ज्वेलरी की लाइन में अक्सर दुकानदारों को प्रॉब्लम होती है या कुछ दुकानदार जो है चीटिंग करते हैं और लोगों को प्रॉब्लम होती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोग सजग रह सकते हैं? मैं खुद महाराष्ट्र राज्य सराफा स्वर्णकार फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उसके अलावा भी मैं मीरा भाईंदर ज्वेलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और भाईंदर वेस्ट ज्वेलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमारे टोटल 1600 व्यापारी है मीरा रोड से विरार तक। हम हर व्यापारी को यही कहते हैं कि आप ग्राहक को अच्छी सर्विस दो, अच्छी क्वालिटी दो और सही वजन दो। आप अगर ये देंगे 100% आपके कस्टमर बढ़ेंगे और इसकी वजह से हर कस्टमर को कभी भी अच्छी चीज़ मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगी, सही वजन मिलेगा, तो कस्टमर मीरा भाईंदर से विरार तक के एरिया में छोड़ के नहीं जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता। इसके लिए सबसे ही सभी व्यापारियों से एक ही कहते हैं, आप क्वालिटी मेंटेन करो, आप सही वजन दो और सही सर्विस दो। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।